हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। आज हम बात करेंगे टॉर्क की। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क किसके ऊपर एक्ट होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसे कहाँ पे रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ओवरऑल क्या होगी? एक जैसी होगी, मतलब सेम होगी। फर्स्ट वी ड्रॉ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज ए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी प्लेस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल थीटा फ्रॉम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a एंड चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू एट पॉइंट बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास चार्ज माइनस क्यू है, ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर। सो फोर्स एट पॉइंट ए एफ इजिकल टू माइनस क्यू ई एंड फोर्स एट पॉइंट बी इज एफ इजिकल टू प्लस का क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके ओर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव ओर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, किसके ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव ओर। यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर के अंदर नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो केवल ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए एंड बी, इसके बाद दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड माइनस का क्यू ई और दूसरा फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड प्लस का क्यू। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। और ये दोनों डिफरेंट एक्सिस पे लग रहे हैं, एक इस एक्सिस पे काम कर रहा है और दूसरा इस एक्सिस पे। दे रोटेट दी इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को रोटेट कराएंगे। ये इसको इस साइड रोटेट कराएगा और ये इसको इस साइड। जैसे ये देखो, ये हमारे पास मान ले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और एक फोर्स यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट कराएगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इस साइड जाएगा, अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इस साइड जाएगा। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो ये इसको क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर ये बॉडी इस टाइप से और हम एक फोर्स इस साइड अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स इस साइड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे दो फोर्स की, एक माइनस क्यू ई और दूसरा प्लस क्यू ई। तो ये इस डाइपोल को रोटेट कराएंगे किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स इस डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे और यहाँ पे क्या एक्ट होगा? टॉर्क। और जो टॉर्क होगा वो किसके कॉल होगा? आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फोर्स ड्यू टू फोर्स एट चार्ज प्लस क्यू कितना है, क्यू ई एंड फोर्स एट चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू है तो टॉर्क कितना होगा, आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना हमारे पास, क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो एक फोर्स ये एक्ट हो रहा और एक फोर्स ये एक्ट हो रहा, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स बी सी। और बी सी किसके कॉल होगा, हमें पता है ये एंगल कितना हमारे पास थीटा, ये साइड कितनी हमारे पास टू ए। यहाँ देखो ये साइड कितनी हमारे पास टू ए और ये एंगल कितना हमारे पास थीटा, तो हमें ये बी सी निकालना है। ये दोनों डायग्राम सेम है, ये बी सी निकालना है हमें। हमें ये पता है कि इस ट्राइंगल के अंदर ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइड हमेशा साइन थीटा के इक्वल होती है और बेस हमेशा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 2a साइन थीटा, और वी नो दैट q इंटू टू ए इज नॉन एज p, तो दिस इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको किस में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ए। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ए। ये हमारे पास टॉर्क आ गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक टाइप। हाँ, यहाँ पे इसके लिए कुछ स्पेशल केस है हमारे पास, वो स्पेशल केस क्या है, हमारे पास जो स्पेशल केस है हम ये बताएंगे। पहला, फॉर मिनिमम टॉर्क, जो टॉर्क है इसकी वैल्यू कम से कम कब होगी, टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन ऑफ द एंगल। और अगर हमें पता है इसके अंदर कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0, क्योंकि साइन 0 0, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। और इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम इसको और क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम और बता सकते हैं कि अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा कितना है 180 डिग्री, और साइन 180 भी कितना होता है, 0, साइन 0 भी किसके कॉल होगा, 0, साइन 180 भी किसके कॉल होगा, 0, एट दैट एंगल टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0, बट दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकेंड केस में हम कह सकते हैं, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। हमें पता है कि साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी होती है, 1,
साइन और कॉस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. और साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के. सो मैक्सिमम टॉर्क टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क इज मैक्सिमम. कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन डाइपोल व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो एंगल कितना बनेगा? या तो 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री. इन बोथ द कंडीशन टॉर्क इज 0. व्हेन डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ए बी डाइपोल है, देन टॉर्क इज मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू पी ई. ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो टॉर्क इज 0. अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू पी ई. और टॉर्क इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड पी ई साइन थीटा और टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल सेम तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं ए क्रॉस बी. सेम हम यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल से टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं. धन्यवाद. बाकी हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू.